गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कंपलसरी इंग्लिश 201 विच इज़ योर पेपर, कॉमन पेपर फॉर बी एंड बी कॉम, वील गो थ्रू द पोइम विच इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. इफ पोइम हम लोग कल कर रहे थे, मैंने आपको दो स्टैंजा इसके डिस्कस किए थे. वॉट इस पोइम का जो कंटेंट है, वॉट इज़ इट डील्स विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एवरीवेयर. यू हैव टू स्ट्रगल वेरी पॉजिटिवली, इवन इफ यू आर अलोन. पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, पीपल आर ब्लेमिंग यू, people are saying negative for each and every action of yours. You need to think for a while whether they are right or not. If you know from your inner self, you know well that whatsoever you are doing is correct or it is right. So you have to just follow that very sound which is coming from inside. उस चीज़ को follow करना है. The voice which is coming from inside, you need to follow that. आपने उसको follow करना है. और इसमें एक दो lines हैं जो Wimbledon का जो कोर्ट है वहाँ पे लिखी गई हैं. Yesterday we discussed with them. I forgot to tell you, if you can meet with triumph and disaster. मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कल कि if you are a victress और if you are a defeater, means you are a winner और you are a loser, hardly matters. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि आज मान लो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकलता है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ अ टॉपर, तो टॉपर है और एक फेलियर है, तो क्या होगा? आज जो है द टॉपर विल रिसीव यू नो ग्रीटिंग्स, उसको ग्रीट किया जाएगा. द फेलियर विल बी आस्ट. मैक्सिमम पीपल दे नो 95% से ऊपर लोगों को ये कंसर्न ही नहीं होता है कि वॉट इज़ योर रिजल्ट. हम लोगों को अपने ही कॉम्प्लेक्सेस मार देते हैं कि हम लोग फेलियर हैं. सो नन इज़ गोइंग टू आस्क यू, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, आपको अपनी एस्टिमेशन में ये देखना है वॉट इज़ द कॉज ऑफ फेलियर. उसके ऊपर यू हैव टू वर्क अपॉन. आपको उसके ऊपर काम करना है, उस फेलियर को विनिंग में चेंज करने के लिए, उस फेलियर को सक्सेस में चेंज करने के लिए. तो ये जो लाइंस हैं ये विंबलडन कोर्ट में लिखी गई हैं. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट देना है. अगर आप विनर हो तब भी और लूज़र हो तब भी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो चीज़ साथ नहीं चलने वाली है. आपको खुद अच्छी तरह से पता है. मैं आपको फिर रिजल्ट का ही एग्जाम्पल दूंगी. इन जनरल होता है, सपोज़ आप कहीं पर विनर हो, कितने दिन उस चीज़ को बड़े पॉजिटिवली सर्कल में डिस्कस किया जाता है? फॉर अ फ्यू डेज, शायद 2-3 दिन. उसके बाद कौन पूछता है? ना तो किसी के पास टाइम है, ना कोई उस बेंट ऑफ माइंड के साथ चलता है. एवरीवन इज़ बिजी इन हर और हिज लाइफ, सो व्हाई डू वी वरी अबाउट दैट? और अगर हम सोच रहे हैं कि विनिंग होल लाइफ चलने वाली है, मतलब एक जगह हम सक्सेसफुल हो गए तो पूरी ज़िंदगी हम उसी को लेके चलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू सेट योर नेक्स्ट गोल्स. If you are a failure, then you have to move ahead with positive attitude to be a winner. Very simple. आपको उन चीज़ों से निकलना है. So this was the gist of your two stanzas which we did yesterday. And above all, don't bother about the world. दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है. You need to think of your own. अपनी कंसाइंस की वॉइस को फॉलो करना है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम इन साइड, whether I am right or I am wrong. If you are right, you are doing right, people are just, you know, not standing with you. At times it happens in life कि आप सही होते हो लेकिन people won't be with you. If you are doing something new, people won't be with you. They'll criticize you, they'll drag you down. Let them do. अपना focus divert नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अपना focus divert किया तो उनका काम हो गया. They don't want to see you to be there. वहाँ पर वो देखना नहीं चाहते, आपको नीचे लाना चाहते हैं. तो if your focus is diverted for a while, यू विल बी देयर वेयर दे वॉन्ट टू सी यू. देन देल से अरे हमने तो ठीक ही कहा था, ये काम तो नहीं हो सकता है. सो इस तरह का जब एटीट्यूड आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है, आपने अपना फोकस जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है. आपने अपना फोकस क्लियर रखना है. और जो लोग इन जनरल वी रिमेन वरीड अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया क्या बोलेगी, अगर हम दुनिया का बोलने का देखते रहेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाएंगे. हमें क्या देखना पड़ता है, वी जस्ट नीड टू सी वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस मूव अहेड. टू स्टैंजास वी हैव टू डू टुडे एंड द पोएम विल बी फिनिश्ड. इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल द विनिंग्स एंड रिस्क इट फॉर वन टर्न और ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर टॉस लॉस. सो If by chance, what is toss? It is a game of coins. आपने देखा होगा ना क्रिकेट में हम टॉस करते हैं, हेड्स और टेल्स अकॉर्डिंगली वी डिसाइड. सो वॉट द पोइट इज सेइंग, ही इज सेइंग दैट इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यू आर अ विनर. देर इज अ हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, ऑल योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स का एक बड़ा सा ढेर है, ठीक है. एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस,
एंड यू रिस्क इट। मान लो सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान है उसने काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न किया है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसने ज़ीरो से शुरू किया एंड नाउ ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और शी इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड अल्टीमेटली दे फील लाइक कोई बड़ा काम करना है एंड दे रिस्क देयर एंटायर अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जितना पैसा था उन्होंने सारे का सारा वो लगा दिया एंड दे रिस्क दैट मनी, उस मनी को उन्होंने रिस्क किया एंड लूज़ बाई चांस वो गेम जो है वो लूज़ कर गए, वो हार गए उस पैसे को उन्होंने जिस बिज़नेस में लगाया था, उस बिज़नेस में दे लॉस्ट, दैट वेरी पर्सन लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड ऑफ लूजिंग हार्ट, दिल को दुखी करने के बजाय यू नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है, आपके मैसेजेस भी आते होंगे कि आग लगने से अगर घर जल गया तो बचा ही क्या है, लेकिन मैं बच गया तो जला ही क्या है। मींस कि अगर मैं जिंदा हूँ ना तो आई विल स्ट्रगल, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल अचीव अटेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स एवर आई हैव लॉस्ट। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, यू वोंट कंप्लेन थ्रू आउट योर लाइफ, यू कांट कंप्लेन थ्रू आउट योर लाइफ कि ऐसे हुआ था, अरे हो गया तो हो गया, नॉ यू हैव टू मूव अहेड, क्योंकि डिसीजन तो अपना था ना, नन फोर्स यू टू गो फॉर द सेम, किसी ने फोर्स नहीं किया, आपने खुद डिसीजन लिया कि मेरी अचीवमेंट्स को मैं एक बार रिस्क लूंगा। पीपल टेक रिस्क, ठीक है, तो अगर बाई चांस ऐसा भी हो जाता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपको विद जील, पूरी हिम्मत के साथ एक दोबारा से फिर से शुरुआत करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल, कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं, व्हाट डू वी फील लाइक बीइंग टीचर्स, व्हाट डू वी फील दैट दे शुड बी बैक टू आर क्लासेस, वो बच्चे हमारी क्लास में आए, दोबारा से मेहनत करें। और उन बच्चों में से ही मैं बहुत से बच्चों को जानती हूँ आर वेरी सक्सेसफुल दीज डेज। फर्स्ट ईयर में फेल होना या सेकेंड ईयर में एक ब्रेक लगना, इट्स नॉट समथिंग लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोंट बी बैक, यू कॉन्ट बी बैक, आप जिंदगी में दोबारा से उस रूटीन पर नहीं आ सकते। देखो, नन इज़ गोइंग टू बॉदर अबाउट वॉट इज़ योर रिजल्ट, आप खुद ही खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, खुद ही फील कर रहे हो कि पीपल आर लुकिंग एट मी लाइक दिस, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पीपल आर लीस्ट कंसर्न्ड विद यू, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, यू आर सिंपली कंसर्न्ड विद योर सेल्फ। आपने खुद को अपना मोरल बूस्ट अप करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और आपने दोबारा से उस काम में जुट जाना है। ठीक है, तो वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम, वॉट शुड वी एक्सपेक्ट, हमें क्या चाहिए कि हमें, वी नीड टू मूव अहेड with positive attitude, ठीक है। If you are risking something, by chance you are a failure, then keep on moving ahead. Same is the case with each and every living being. And never breathe a word about your loss. And you won't say even a single word about your loss. Whatsoever is lost, it is lost. जैसे मैं आप लोगों को डायरी एंट्री का मैंने करवाया था, तो what is it? कि जो आपके negative thoughts हैं, आप लोगों ने there is a movie of Kareena Kapoor, उसको आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्या है कि whatsoever she had in her mind है ना, negative feelings were there. Dispose of किया, paper पे लिखा, paper जला दिया, उसको flush कर दिया, सब कुछ फेंक दिया, तो आपको वैसे ही करना है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनको निकालना है और पॉजिटिव फीलिंग्स को इनकलकेट करना है, ग्रो करना है, डिवेलप करना है, अपने अंदर आपने लेके आना है। अपने लॉस के बारे में यू वोंट से इवन ए सिंगल वर्ड, व्हाट सो एवर इज हैपन लेट इट बी, बिकॉज मैंने आपको पिछले कल भी अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया था, टाइम वॉज देयर हिज करियर वॉज एट पीक, देन डाउनफॉल केम, नो अगेन ही मूव्ड अहेड। तो क्या है, अगर हम इफ वील कीप यू नो थिंकिंग अबाउट आर फेलियर्स, तो हम तो खुद को अक्यूज करते रहेंगे, हम आगे जो है वो बढ़ नहीं पाएंगे। सो वॉट यू विल डू, रियल लाइफ के जो फैक्ट हैं वो इस पोइम में है, यू नीड टू फॉलो सिंपली। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। सो इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट नर्व एंड स्नो, हार्ट नर्व एंड, हार्ट इज योर दिल, आपका हार्ट जो है जिसमें आपके शक्ति है कुछ भी करने की, एंड नर्व एंड स्नो इज योर मसल, पूरी की पूरी आपकी जो शक्ति है, योर विल पावर, योर एंटायर शक्ति ऑफ योर्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नो, इफ़ यू आर फोर्सिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स, योर फोर्स, योर विल पावर, योर जॉइनिंग टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, सपोज यू हैव लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग बट नाउ यू वॉन्ट देम टू बी स्ट्रेंथन, अपने आप को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, स्ट्रेंथन करके आप दोबारा से लड़ाई लड़ना चाहते हो ना, तो सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग ऑन इन यू, व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट, यू आर फीलिंग शटर्ड, देन होल्ड ऑन, थिंक फॉर अ वाइल, स्टॉप फॉर अ वाइल, जस्ट कलेक्ट योर एनर्जी, कलेक्ट योर स्ट्रेंथ, कलेक्ट योर विल पावर, एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खो गया, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर,
यू कैन बी मोटिवेटेड फ्रॉम एनी वेयर. किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर आपने सुनी होगी. हाउ डिड ही वन द गेम, कैसे उन्होंने गेम को जीता. ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. इंग्लैंड ने अटैक किया. अगेन एंड अगेन ही वॉज डिफीटेड डिफीटेड डिफीटेड. ही वेंट टू अ फॉरेस्ट, देयर ही सॉ अ स्पाइडर विच वॉज ट्राइंग टू यू नो बी विद द वेब. वेब में जाने की कोशिश कर रही थी सक्सेसफुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स एंड अल्टीमेटली इट वॉज देयर. एंड द किंग थॉट दैट स्मॉल स्पाइडर हैज सच यू नो गट्स. सो वॉट एम आई डूइंग, आई नीड टू बी बैक देयर विद माई फुल फोर्स. अपनी विल पावर को जगाना जरूरी है. तो उसने विल पावर को जगाया, अटैक द एनिमी बैक एंड वॉज अ विनर. तो हमें इन चीज़ों को लाइफ में भूलना नहीं चाहिए. सो होल्ड ऑन वेन देर इज नथिंग इन यू. वेन यू आर लाइक यू नो टोटली ब्रोकन, देन विल पावर शुड डेफिनेटली बी देयर. एक्सेप्ट द विल, यू हैव दैट वेरी विल पावर. डब्ल्यू कैपिटल है, मीन्स आप में वो विल पावर है, वो स्ट्रेंथ है अंदर, जो जो आपकी शक्ति है. विच सेज टू देम होल्ड ऑन, विच हैज़ दैट वेरी पावर टू मेक यू फील लाइक अ विनर, टू मेक यू फील गुड, टू मेक यू फील पॉजिटिव. तो विल पावर को तो हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसके साथ लाइफ जीनी है. If you can talk with crowds and keep your virtue, this very stranger is very very important. So what you will have to do, सारी की सारी जो gist है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि chapter की या तो beginning होती है ending. इस poem की जो ending है, वैसे तो through all the poem right from the beginning till end it is amazingly good, लेकिन इसमें वो चीज़ दी है जो हमारी generation को, like even if we people, we are teachers, we need, everyone needs this very thing, and particularly teenagers need, because जिस तरह से आप लोगों का जो schedule चल रहा है आजकल, you have been confined to your homes, तो आप लोगों ने इन lines को तो amazingly good तरीके से अपनी life में जो है वो absorb करना है. If you can talk with crowds and keep your virtue, if you are talking to large number of people, भीड़ से आप बात कर रहे हो, एंड कीप योर वर्च्यू, वॉक विद किंग्स एंड लूज द कॉमन टच. इफ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन. What is he saying in this stranger is very very important. If you are talking with large number of people, crowd होता है भीड़, अगर आप बहुत से लोगों से बात कर रहे हो, keep your virtue, need to maintain your goodness. अपनी goodness को आपने जाने नहीं देना है. Whatsoever you have qualities, your quality should not leave you. Or walk with kings, you are walking with very rich people, you are walking with kings. एक शान के साथ आप उनके साथ चल रहे हो, और lose the common touch. Generally what happens, कि जब लोग सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो आम आदमी है उससे वो लिंक को ब्रेक करते हैं. तो आपने क्या करना है, आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, जो लोग आपसे जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल विद ईच एंड एवरी वन. उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स ऑफ नहीं करने हैं. इफ़ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, फोज एनिमीज, इफ़ यू रीच दैट वेरी प्लेस, देन neither foes, ना तो enemies, nor friends can hurt you. You might have seen some friends are there who are, you know, जो क्या करते हैं, जख्म को कुरेदने वाले friends भी होते हैं ना कहीं, कि by chance हम किसी life की किसी field में कुछ कर नहीं पाए, तो they'll be there, they'll console you, but actually वो क्या करते हैं, they'll you know make you realize that you are a failure. तो इस तरह के friends हैं. तो if neither foes nor loving friends can hurt you, if you are not hurt by your enemies as well as your friends, if all men count with you but none too much, if you are each and everyone is important for you, आप हर इंसान को इम्पॉर्टेंट लेके चलते हो, बट नॉन टू मच, बट दूसरों के लिए यू कॉन्ट लीव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी आप दाव पर नहीं लगा सकते. वी कॉन्ट सेक्रीफाइज आर लाइफ फॉर अदर्स ओनली, बिकॉज वी आर असाइंड यू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स आर असाइंड बाई गॉड, तो वी हैव टू फुलफिल ऑल दैट. मैंने आपको कल भी एक चीज़ कही थी, यू कॉन्ट मेक एवरी वन हैप्पी इन योर लाइफ. ना फैमिली पूरी खुश होती है, ना फ्रेंड सर्कल खुश होता है, ना आसपास के लोग खुश होते हैं. हर जगह कहीं ना कहीं आपसे अनॉयड दिखेगा. आप सक्सेसफुल हो तब लोग अनॉयड होंगे, आप फेलियर हो तब लोग अनॉयड होंगे, आप न्यूट्रल चल रहे हो जिंदगी में तब भी लोग अनॉयड होंगे. ठीक है, तो वॉट यू हैव टू डू, यू शुडंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते, अपने बारे में सोचते हैं कि आपने अपनी क्वालिटीज़ को कहाँ देना है, किस तरह से अपने आप को पॉलिश करना है, किस तरह से अपने आप को, यू शुड बी यू नो फेस इन द क्राउड. भीड़ में आपका चेहरा अलग दिखना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखनी चाहिए, आपके काम अलग दिखने चाहिए, पॉजिटिवली पॉजिटिव आपने काम करने हैं. लास्ट स्टैंजा ऑफ फोर लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सभी की लाइफ के लिए.
इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, इफ यू आर वेरी मच अनॉयड, वेरी मच अंग्री, टॉप पे आपका गुस्सा है, जनरली आपने देखा होगा जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग हैं, सुसाइड करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, वो एक मोमेंट होता है विच इज ऑफ 60 seconds, एसेट बाय द पोइट, कि वो 60 seconds को अगर आप होल्ड कर गए ना, गुस्से का वो मूवमेंट आपने कंट्रोल कर लिया, तो यू विल बी एबल टू सेव योर लाइफ एज वेल ऑफ द अदर्स. दूसरों की जिंदगी भी बचती है, अपनी भी बचती है, हम कोई गलत काम करने से बच जाते हैं. ठीक है, तो वॉट यू हैव टू डू, इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, इफ यू आर वेरी मच एंग्री, इफ यू आर यू नो इफ यू आर इफ द टाइम विच इज मूविंग अहेड एक्सपेक्ट्स यू टू मेक फुल यूज ऑफ इट, इफ द टाइम इज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट एंड देन यू शुड रन इन अ मिनट्स डिस्टेंस दैट कैन बी रन इन 60 seconds, मीन्स 1 minute हैज 60 seconds, फाइन. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस. एक मिनट में 60 seconds है, उसको एक मिनट मत गिनो, उसको गिनो 60 seconds, एंड दैट वेरी मिनट विच इज अनफॉरगिविंग, विच कांट बी स्पेयर्ड, उसको छोड़ नहीं सकते, विद 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, उसमें आपके थॉट्स जो है उस तरह से चलने चाहिए जैसे 60 seconds के हैं, तो क्या होगा, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड वी हैव टू, वट वी हैव टू डू, टाइम इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर अस, वक्त जो है इट विल कीप मूविंग अहेड. 1 minute मीन्स वी आर लूजिंग आर 60 seconds, तो अगर हम वी आर इन अ फिट ऑफ एंगर वी लूज दो 60 seconds, वी कैन टेक एनी स्टेप जो हमें नहीं लेना चाहिए. इफ वी आर नॉट टेकिंग करेक्ट डिसीजन इन दो 60 minutes, वी विल बी लूजर्स. तो हमें उन 60 minutes का भरपूर यूज़ करना है, 60 seconds का, सॉरी, उन 60 seconds का हमें भरपूर यूज़ करना है. ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आर लाइफ शुड बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर उस तरह से हमने कर लिया, अगर हम ये सोचें कि मेरे 60 सेकंड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा जो रनर्स होते हैं या जो आपके जो एथलीट्स होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, किसी भी फील्ड में देख लो आप, आपके जो शोज़ हैं, डांस शोज़ हैं, जो परफॉर्मेंसेस वो लोग करते हैं, दे आर गिवन, यू नो, सम मिनट्स आर गिवन, शायद 2 या 3 minute का टाइम होता है, तो वी फील लाइक कि 2 minute में दे विल प्रूव देमसेल्व्स. ऐसा नहीं है, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है. सो दे यूटिलाइज्ड दैट वेरी मिनट विच इज़ गिवन टू यू, गिवन टू देम ऑन स्टेज. जो स्टेज पे वो जो मोमेंट मिलता है ना, वो उसको यूटिलाइज करते हैं, दे बिकम विनर्स. तो वो चीज़ जो है, वो मोमेंट यूटिलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वी शुड यूटिलाइज दैट वेरी मिनट इन द वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, पॉजिटिवली उसको यूज़ करना है. योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, देन यू विल श्योरली बी अ विनर, यू विल रूल द अर्थ एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी योर्स. अगर आप सक्सेसफुल हो तो क्या होगा, एवरी वन इज़ गोइंग टू रिकोगनाइज यू, एवरी वन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट यू, बट वो परमानेंट नहीं होता है, वो भी ध्यान रखना है. एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन. एंड इफ ऑल द क्वालिटीज डिस्कस्ड इन द पोएम आर देयर विद अस, इट इज़ वेरी टफ टू हैव ऑल दीज क्वालिटीज, लेकिन एक बार वो डिवेलप कर ली ना, तो फिर क्या होगा, विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन, देन actually you will be a winner and we'll be real human beings as compared to others. तो हमारा success जो है वो normal आदमी के comparison में वो बढ़ जाता है, और we just differentiate ourselves from others, which is very important to be successful in your life. So this is for today, fine. And your reading comprehension, I'll send you a video. Maybe next week I'll send you a video, maybe tomorrow, whenever I'll get time, I'll send you a video of the same. So you'll have to go through your reading comprehension, you'll have to prepare your questions which are very important. I've already told you कि इनको prepare आपने करना ही करना है, क्योंकि exam of life, if these poems are very very important. Previous question paper भी देखोगे ना, तो दोनों poems में से content आया है. So what you will do today, you'll go through the poem and good day.